हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर में कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। डिफ्यूजन यानी कि विसरण। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इंक ड्रॉप का वाटर के साथ ऐड होना, जो धीरे धीरे पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाता है। दूसरा, जब हम किसी भी मैटर को हीट करते हैं तो उसके बीच के जो उसके पार्टिकल होते हैं उनकी स्पीड इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर स्पेस तो इंक्रीज करता है लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज करता है, और इस वजह से डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो फास्ट हो जाती है। इसीलिए जो गर्म खाना होता है उसकी स्मेल हम तक दूर तक पहुँच जाती है, जबकि ठंडे खाने की स्मेल के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। नेक्स्ट, सॉलिड लिक्विड और गैस को हम लिक्विड में डिफ्यूज कर सकते हैं। इसके साथ जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं, और इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल की वजह से और लार्ज स्पेस की वजह से गैसेज जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है उसको शो करने का काम करते हैं और फास्टली अदर गैसेज में डिफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। इन्हें हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड की बात करें तो सॉलिड को फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हम लिक्विड में, जबकि लिक्विड को सॉलिडिफिकेशन के थ्रू सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार लिक्विड को हम वेपराइजेशन के थ्रू गैस में, जबकि गैस को कंडेंसेशन के थ्रू लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। और लास्ट, सॉलिड को और गैस को, सॉलिड को अगर हम सब्लिमेशन के थ्रू गैस में और गैस को सब्लिमेशन के थ्रू सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। इसके अंडर हम बात करेंगे फ्यूजन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, वेपराइजेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया। सबसे पहले हम फ्यूजन के बारे में बात करेंगे। फ्यूजन की बात की जाए तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो एटमोस्फियरिक प्रेशर पे एक ऐसा टेम्परेचर जिस जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और लिक्विड में चेंज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करने का काम करता है। जहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स भी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की बात करें तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन की बात की जाए तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम इस वेपर को कूल करते हैं, कूलिंग के थ्रू सॉलिड में चेंज कर देते हैं, इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो कपूर हो गया, नेप्थिलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ड्राई आइस हो गया, बेंजोनोइक एसिड सब्लिमेशन प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेपराइजेशन के बारे में। वेपराइजेशन की बात की जाए तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को अगर हम गर्म करते हैं तो ये गैस में चेंज हो जाती है। इसी प्रकार से इवेपोरेशन की बात की जाए तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर हम गर्म करते हैं तो गैस में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो एटमोस्फियरिक प्रेशर पे एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। बॉइलिंग की बात की जाए तो ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन की बात की जाए तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इसका एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से अगर लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट मींस हिडन, यानी कि छुपी हुई। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी सबस्टांस के द्वारा अब्जॉर्ब और रिलीज की गई अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से उस सबस्टांस की स्टेट में चेंज आ जाता है, जैसे वाटर टू स्टीम। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात की जाए तो एटमोस्फियरिक प्रेशर पे 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। वाटर पार्टिकल्स की बात की जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे
आइस पार्टिकल से ज़्यादा एनर्जी इसमें होती है क्योंकि इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात की जाए तो एटमोस्फियरिक प्रेशर पे 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से बॉइलिंग के समय टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर इफेक्ट के बारे में। तो जब सॉलिड को हम हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है जिसकी वजह से उसके पार्टिकल ग्रेटर स्पीड से अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगते हैं। इस एनर्जी की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो पार्टिकल के बीच काम करता है और अगर हम इस अट्रैक्शन फोर्स को रिड्यूस करते हैं और पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन को छोड़ देते हैं और मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जब इस स्टेज पे पहुंचते हैं तो सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेशर इफेक्ट के बारे में। प्रेशर इफेक्ट की बात करें तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं तो गैस लिक्विड में जबकि लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में जबकि लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से जो स्टीम होता है उसमें एनर्जी वाटर के कंपैरिजन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जब हमारी बॉडी में जलन स्टीम से वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हाई अल्टीट्यूड की बात करें तो वहाँ पे एटमोस्फियरिक प्रेशर लो होने की वजह से ये वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और हमें खाना बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। प्रेशर कुकर की बात करें तो प्रेशर कुकर के अंदर जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ऊपर हो जाता है जिसकी वजह से हमें प्रेशर कुकर में खाना बनाने में कम समय लगता है। किसी भी मैटर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंस होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है जबकि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो ये हाई प्रेशर पे स्टोर होता है और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो ये सीधे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसे ड्राई आइस या ड्राई कोल्ड के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।